हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सोनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। सुबह का समय है, आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बहुत सुबह उठे थे, करीब 5 बजे उठ गए थे और आज हम कहीं जाने वाले हैं, मैंने जाने वाले नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी हमको रास्ता के लिए बनाने पड़ा। कुछ भी चना उना बनाए हैं और खाना उना बना उना के सब पैक कर लिए और अभी हम जा रहे हैं। चलिए आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मेरे साथ चलिए। आज बहुत ज़्यादा एंजॉय आने वाला है और एंजॉय करिए। लेकिन सब हम करके सब बंद कर दिए हैं, दरवाजा वरवाजा सब, खिड़की और ताला मार के चाबी दे देंगे अपने भतीजा को, उसके बाद हम जा रहे हैं। बाबू लोग को बोलो वो लोग कैसे कर रही है वजह। जल्दी करिए मम्मी, देखिए दोस्तों हम लोग मज़ार आए हैं। ये रानीगंज का दरगाह शरीफ है, ये हम लोग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं आप। अंदर तो हम कर नहीं सके वीडियो क्योंकि अंदर अलाव नहीं है। देखिए इधर से भी निकलने का रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ सलाटा दरगाह शरीफ आए थे। दरगाह शरीफ आने के बाद हम लोग खाती अतिया करा लिए हैं और अब हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। कहीं बहुत दूर से आए हैं हम लोग, कहीं जाने में भी 2 घंटा टाइम लगेगा। और देखिए मेरा बेटी इधर बदमाशी कर रही है। ए बाबू रुक जा,
उसको इतना ही अमल लग रहा कि मत बोलो। आ जा सोनी, देखिए देखा देखिए कैसे आगे आगे जा रही है। देखिए यही पूरा मज़ार है, ये जब गुसुल होता है रानीगंज का मज़ार है, जब रानीगंज का मज़ार फरवरी में यहाँ गुसुल होता है, बहुत अच्छा ही लगता है यहाँ पे। देखिए कितना सारा कबूतर का बीच में जा रही हो। अभी तक कबूतर है, कबूतर को यहाँ दाना दिया जाता है। देख यहाँ पर गेहूँ बिक रहा है ना, यहाँ गेहूँ बिक रहा है नजी नहीं है। देख कौन देते हैं, यहाँ से खरीदो दो, इसलिए कबूतर सब यहाँ। दोस्तों ये घूर दिन है और हम लोग मजार से आने का बाद काफ़ी थक गए थे, इसी वजह से वीडियो बना नहीं सके और सो गए थे सवेरे ही खाना वाना खा के। और अभी देखिए सुबह हो चुका है, मॉर्निंग। आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हम खाना चढ़ा दिए, अभी देखिए नाश्ता लेके बैठे हुए हैं और कपड़ा भी ढेरे था जो कल सब आए थे मजार से पहन उनके ना, वो सारा कपड़ा रखा हुआ था, धो भी लिए हैं। और आज से बच्चा लोग का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, टाइम हो गया है भाई, पहले था 7:45 में क्लास लगता था, अभी 8:15 में क्लास लगेगा। लेकिन बाबू का छुट्टी का टाइम वही रहेगा, सिर्फ मेरा बड़ी वाली बेटी का टाइम चेंज हो जाएगा, उसका 2:15 छुट्टी होगा। इसी वजह से फिर हमको जल्दी जल्दी खाना भी बना रहे हैं, जल्दी जल्दी पका के हमको लाने भी जाना है। ठीक है, अब वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद पड़े तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।